बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने एक 3D ऑब्जेक्ट जो कि एक गरारी नुमा ऑब्जेक्ट है, वो सामने आपके लेके आया हूँ। उसको हम ड्राइंग करेंगे, बनाएंगे इस गूगल स्केचअप के अंदर कि किस तरह हम इसे ड्राइंग कर सकते हैं और उनकी टूल बार की मदद से हम इसे अपनी ड्राइंग के सामने ला सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख के सीख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले गाइस, आपने अपना एक पॉलीगॉन टूल के सर्कल टूल ले लेना है। सर्कल टूल का आपने यहाँ पे डाया जो रख देना है, वहाँ पे आपने 25 mm रख देना है। और सेकंड, आपने दोबारा एक सर्कल टूल लेना है और इसका जो डाया है आपने 10 mm 25 रखा था, तो हमने इसका भी नेक्स्ट ऑफ ऑल या ऑफसेट इसका ले लेते हैं। इसका ऑफसेट हम लेते हैं तो ये आपके सामने इस तरह से होगा। ग्रुप कर लिया इसको हमने, इसको ग्रुप करके इसको आप यहाँ पे साइड करें और इस पॉइंट को पकड़ के आपने इस कार्नर के साथ अटैच करना है और इस पॉइंट को पकड़ के आपने यहाँ पर इस पॉइंट के साथ ऐसे करना है। अभी हम इसकी जो सेटिंग है यहाँ से स्केल टूल की मदद से यहाँ पे हम कर लेंगे। ये हमारा पॉइंट जो है वो इसके साथ रेडी हो चुका है। यहाँ पे हम इसके जो स्केल जो है हम जितनी रखना चाहते हैं यहाँ से हम रख सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइस, आपने इसको सेम ये जो ऑप्शन है हमारे पास, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके मेक एंड कंपोनेंट कर लेना है। तो इसको हम ठीक है पॉइंट POINT पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो आपने क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के साथ साथ अभी आपने इस पॉइंट को सेलेक्ट करना है और सर्कुलर टूल की मदद से सेंटर पॉइंट को क्लिक करना है। इसका ऑन ऑफ पाथ दे देना है। कंट्रोल का बटन आपने दबा के रखना है कीबोर्ड से। आपने जूम करके ये जो हमारा पॉइंट है ये पाथ दे देना है और आपने यहाँ पर एक्सटेंड करने हैं तो आपके पास ये पॉइंट लग जाएंगे। ये हमारी 2D शेप तकरीबन यहाँ पर इस तरीके से ड्रा हो जाएगी। ठीक है गाइस, उसके बाद सेम ही आपने यहाँ इसके सेंटर में, इसी के सेंटर में यहाँ से लेते हुए एक लाइन यहाँ पे ड्रा करनी है। ड्रा करने के बाद आपने इसका ऑफसेट है यहाँ से, बल्कि हिडन लाइन की मदद से हम यहाँ से ऐसे करते हैं 5 mm कर देते हैं, बल्कि 3 mm करते हैं यहाँ पर और 3 mm यहाँ पर करते हैं। और आर्क टूल की मदद से, आर्क टूल की मदद से हमने इस पॉइंट को जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने यहाँ पर एक 1 mm की आर्क लगा दी। दोबारा लगाते हैं। ये होगी 1 mm की आर्क। यहाँ पर फिर दोबारा हमने अपोजिट साइड के ऊपर भी इसी तरह एक आर्क का डिजाइन कर लेना है 1 mm का। ये पॉइंट हमारा पिक नहीं हुआ। ख्याल रखना है, ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं हमारी ड्राइंग को बहुत ख़राब कर देती हैं, जिससे हमारी ड्राइंग बिल्कुल हमारी ड्राइंग का बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। इस लाइन को आपने डिलीट कर देना है। ठीक है गाइस, इसको भी डबल क्लिक करना है और मेक एंड कंपोनेंट कर देना है। कंपोनेंट करने के बाद आपने यहाँ पे रोटेट कमांड के लेनी है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके इसके सेंटर पॉइंट में आना है और एक्सटेंड की कमांड आपने देनी है। तो एक्सटेंड के साथ ये भी हमारी 10 पॉइंट लग जाएगी। तो
गाइस ये पॉइंट लगने के बाद अभी हम अपनी दोबारा उसी शेप की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट ऑफ ऑल वहां पर, और क्या काम हमने करना है, बस यही काम है हमारे पास। अभी हमने एक्सट्रूड कमांड की मदद से इस शेप को एक्सट्रूड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस शेप को इधर से फिल आउट करते हैं, इरेज कर दिया, पूरी शेप को हमने सेलेक्ट कर दिया है, मेक एंड रिवर्स ऑफ बेस कर दिया है। उसके बाद हमने पुश एंड पुल टूल की मदद से हमने इस लाइन को भी हमने सेलेक्ट करके वेल्ड कर देना है, इसको भी हम सेलेक्ट कर देंगे। और सेंटर पॉइंट के साथ इस टूल बार को सिलेक्ट करते हुए रोटेट कमांड के साथ इधर क्लिक करते हैं और इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पर इस सेंटर में ले जाते हैं और एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। दोबारा देख लें, इस पॉइंट को यहाँ से पकड़ा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किया, फिर रोटेट कमांड ली, सेंटर पॉइंट पे एक पॉइंट लिया जहाँ से इसको हमने रोटेट करना है वो ऑप्शन लिया, और यहाँ पे आके हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये हमारे बैक हैं। अभी डबल क्लिक करने के साथ हम यहाँ पर इसको राइट क्लिक करते हैं, मेक एंड स्मूथ करते हैं, ओके करते हैं। देखिए हमारे पास अभी कितने ज़बरदस्त किस्म का ये स्मूथ ऑप्शन हो गया। इसी तरह इसको डबल क्लिक करते हैं, मेक एंड स्मूथ करते हैं, ये भी हमारे पास मेक एंड स्मूथ हो गया, ठीक है। देखिए आपके सामने वो जबरदस्त किस्म की ड्राइंग बन रही है, इसको भी हम क्लिक करके डबल क्लिक करते हैं, मेक एंड स्मूथ करते हैं, एडजस्ट ये भी स्मूथ हो गई। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर इसको भी राइट क्लिक करके मेक एंड स्मूथ करते हैं। ये भी आपके पास सामने ये जो ड्राइंग है आपकी वो रेडी हो चुकी है। और ऊपर लाइन हिसाब ये देखिए, और ऊपर लाइन को मैं ऑफ करता हूँ, ये जो ड्राइंग है आपके सामने तैयार हो चुकी है। इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ कलर बटन के साथ, इसको मैं कलर करता हूँ, यहाँ से कलर ऑप्शन किधर गया, ये हमारे पास जो हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट था वो रेडी हो चुका है, आपके सामने ड्राइंग हो चुका है। तो गाइस आज की वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपने ख्याल का इजहार करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।